हजरत की फजाइल और मनकबत और फजाइल और मनाकिब जितने ज्यादा हैं इतने ही मसाइब भी ज्यादा हैं। जुमला मेंबर की जबान का कह रहा हूं कि जो साहिब फजाइल होता है वही साहिब मसाइब भी होता है। बड़ा गहरा रब्त है फजाइल का मसाइब के साथ। नहीं हो सकता कि कोई साहिब फजाइल और साहिब मसाइब ना हो। ज्यादा फजाइल है तो मसाइब भी ज्यादा है। मा उदिया नबी उन कत्तु का मा उदीत, किसी नबी को इतनी अजियत नहीं पहुंची जितनी अजियत मुझे पहुंचाई गई। वो कौन सी अजियतें हैं? वो पत्थर मारने वाली अजियत है। इससे ज्यादा तो बहुत सारे नबियों को बदनी तकलीफें दी गई। पैगंबर अकरम को बदनी तकलीफ से ज्यादा रूही तकलीफें दी गई। रूही तकलीफें, पैगंबर अकरम को रूही तकलीफें पहुंचाई गई। सलाम हो उस मजलूम अव्वल पर। सरकार को जहर दे दिया गया और असरे सम की वजह से हजरत ने फरमाया मेरे सरहाने मेरी फातिमा को ले आओ। बहुत रोए नबी उस आखिरी वक्त में, हजरत खतीजा को याद कर। मैंने ये मक्तल में पढ़ा कि जब नबी मुकर्रम की शहादत रहनत करीब है तो आपने जनाबे जहरा को बुलाकर इतना गिरिया किया, और जब किसी बीबी ने पूछा आप ऐसे क्यों रो रहे हैं, फरमाया मुझे इसकी मां याद आ रही है। जब जनाबे खतीजा की रहलत हुई थी उस वक्त सरकार को फरमाया था मेरी फातिमा को कभी अकेला ना छोड़िएगा, हत्ता जो कुछ भी जनाबे जहरा के पास था, जनाबे खतीजा के पास था, वो नबी के हवाले करके कहा जब मेरी बेटी की शादी हो, जब मेरी फातिमा की शादी हो तो ये मेरी चीजें उसे दे दीजिएगा, और फरमाया जब फातिमा को रुख्सत करें तो मेरी बच्ची के साथ खानदान की एक औरत को भेजिएगा ताकि ये उससे मानूस रहे। जो हमारे यहां भी दस्तूर रहा है नहीं मालूम अब है या नहीं, ये सुन्नत है, जाके किसी एक बीवी को साथ भेजिएगा। बहुत याद किया जनाब खतीजा को नबी मुकर्रम ने, बार बार अपनी बच्ची को प्यार कर रहे हैं और बीवी है कि एक मरतबा गिरिए में इजाफा है। आज की इस मजलिस को सबसे ज्यादा पुरसा बीवी जहरा का है। अजीब गम है जनाब रिसालत में आपका, सबसे ज्यादा पुरसा इस वक्त बीबी फातिमा जहरा को है। गिरिया कर रही है जनाब जहरा अपने बाबा के सराहने बैठी हुई कि एक मरतबा दरवाजे पर दस्तक हुई, बीबी ने आवाज देकर पूछा कौन है, क्या मैं नबी से मिलने आया हूं, फरमाया वापस चले जाओ मेरी बाबा की तबीयत अच्छी नहीं है। कुछ देर के बाद फिर वही शख्स आ गया, फिर जनाबे जहरा ने लौटा दिया। जब तीसरी मरतबा वो आया, वो आवाज आई, नबी ने फरमाया फातिमा इसे आने दो, ये किसी के दरवाजे पर नहीं रुकता, ये तेरे दरवाजे की अजमत है, ये मलकुल मौत है, ये मलकुल मौत है, मुझे लेने आया है, और तू इसे लौटा देती है फातिमा, इसे लौटा देती हो, इसे आने दो, ये तुम्हारे दरवाजे की अजमत है। अजब नहीं उस वक्त पैगंबर ने क्रिया किया हो, यानी फातिमा के दरवाजे पर मलकुल मौत रुके, बगैर इजाजत के फातिमा के घर में न घुसे। वो कैसा दौर था, लकड़ियां ला के दरवाजा चला दिया। अजरो कमल अल्लाह, पैगंबर अकरम की अज़दारो जनाब फातिमा जहरा के गोद में रहलत हो गई। नबी के लबों पर लब रख दिए, पेशानी पर पेशानी रख दी,